हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पहली बार हुए बड़े बदलाव पंचायत चुनाव 2020 में। जी हां दोस्तों, तृतीय पंचायत चुनावों की संबंधित तारीख क्या है, यानी किस तारीख को होंगे ये यूपी में पंचायत चुनाव, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत सारे यानी पहली बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस तृतीय पंचायत चुनाव में, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में हुए बहुत बड़े बदलाव, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें एंड तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2020-21 जाने सबको। जी हाँ दोस्तों, अगर आठवीं पास नहीं है और दो से अधिक बच्चे हैं तो आप इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये व्यवस्था तृतीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में लागू होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी पंचायत चुनावों में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास शैक्षिक तय कर सकती है। जी हां दोस्तों, साथ ही दो से ज़्यादा बच्चे वालों की उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव से अयोग्य घोषित यानी घोषित किया जा सकता है। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बीच इस बार अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है। जी हां दोस्तों, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही इसका मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते योगी सरकार अगले वर्ष जून माह 2021 तक पंचायत चुनाव करा सकती है। इस दौरान प्रदेश में पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारों को बड़े बदलाव कर सकती है। जी हां दोस्तों, नहीं लड़ सकेंगे ये पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, आगामी पंचायत चुनाव में दो से ज़्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो अगले पंचायत चुनाव में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ये फैसला सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, अनपढ़ नहीं बनेंगे ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी है। चाहे वह महिला हो या फिर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, सभी को आठवीं पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव में इस बार होगा लोटा का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इस बार लोटा का इस्तेमाल होगा प्रधान पंचायत चुनाव 2020-21 में। तो दोस्तों अगर आप प्रधान पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपको दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं हो और आठवीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप लड़ पाएंगे यूपी में पंचायत चुनाव 2020-21। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।